हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक टॉक्स। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं टेबल कैसे बनानी है। तो अभी तक तो ये दो वीडियो बेडरूम सीरीज़ में हो गई, बेडशीट, बेड और पिलोज, आज टेबल। तो शुरू करते हैं। इसको मैं ऑल्ट क्यू कर लेती हूँ तो आइसोलेशन मोड पे, तो मैं आराम से बना सकती हूँ, बाद में ऑफ़ कर दूँगी। तो इसमें मुझे पहले डिवीज़न करना है, तो राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, एज को सेलेक्ट किया, F4 प्रेस कर लो तो एज स्क्रीन में भी दिखेगा। सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, एक को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके दूसरे को सेलेक्ट करो, देन कनेक्ट। बीच में देखो ये गैप आ गया, ओके। और बट इसमें मुझे थोड़ा सा डिवीज़न दिखाना है, तो यहाँ से दो ले लेती हूँ मैं, और इसका जो मिड का डिस्टेंस है इसको मैं कम कर देती हूँ, ठीक है। और फिर ये पॉलीगॉन को सेलेक्ट किया, इसको बाहर एक्सट्रूड कर लेती हूँ थोड़ा, और यही सेम इतना इधर भी। पहले इसमें एक फ्रेम बना लेती हूँ, इसको सेलेक्ट किया, अब इसमें इंसर्ट कर देती हूँ, छोटा सा चाहिए, ओके। फिर इसको अंदर एक्सट्रूड कर दो, F4 ऑफ करके देखो, ऐसे इसका डिवीज़न दिख रहा है, और ऐसे ये इधर भी रहेगा। लास्ट टाइम जो किया था वही वैल्यू आ गई, तो मेरे को अलग से नहीं करना पड़ रहा है। इसका हैंडल बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करो शेप्स, यहाँ पे आर्क ले लो, रेंडरिंग ऑन कर दो, तो ऐसे ही रेंडर में दिखेगा। रेक्टेंगल लेना है, रेडियल लेना है, ठीक है। और भी इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो करने कर लो, कुछ इशू नहीं है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मिरर, कॉपी जेड, पहले ऑफसेट दे के देख लो, ओके, वाई, ओके, ये इधर, ठीक है। अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन जैसा चाहिए वैसा कर लो, ठीक है। अब इसके लेग बना लेते हैं, कोन, अब इसको फिट करके फिर इसको थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ। रेडियस 1, रेडियस 2, इसको थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, फिर इसको ना मैं अगर ऐसे टिल्ट करूँगी ना तो प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए कमांड एस क्यू उससे करती हूँ, क्योंकि बीच का जो ये पार्ट में फिर गैप रह जा रहा है, तो इसके लिए मैं इसमें स्क्यू से करती हूँ। स्क्यू लिया और इसका बस ये डायरेक्शन दो,
वो फिल भी रहेगा। देखो ये चीज़ नहीं हो रही। अब ये मुझे इसका एक थोड़ा कैप जैसा बनाना है। अभी जैसे स्कर्टिंग किया था ना इसका, ऐसा स्कर्टिंग भी कर सकते हैं। पिलो में वो सेलेक्ट करो, ऑल्ट एल, इसमें ऑल्ट एल नहीं होगा, तो इसको ऐसे मैन्युअली सेलेक्ट कर लो। क्रिएट शेप फ्रॉम सेलेक्शन, इसका ये शेप सेलेक्ट करो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने रेंडरिंग दिया ना इसलिए आ रहा है, वरना ऐसे नहीं आता है, वो लाइन दिखती है सिर्फ। जैसे भी अपने को चाहिए हम लोग ले सकते हैं। मटेरियल्स वीरे वीरे एमटीएल असाइन, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, देन राइट क्लिक असाइन मटेरियल। और ये वुड थोड़ा सा शाइनी होगा तो इसमें थोड़ा ग्लॉस वगैरह ऐड कर देती, थोड़ा ग्लॉस वगैरह ऐड कर देती हूँ। प्रेजेंट रिफ्लेक्शन ऑफ कर दो, आर ग्लॉसिनेस 0.9 कर दो। और इसमें भी मटेरियल लगा देती हूँ, इसमें मैं कॉपर मटेरियल लगाती हूँ, कैसे बनाना है वो भी बताऊँगी। ये वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो, तो जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसका स्टील कैसे बनाना है उसका प्रोसेस का मैं ऐड कर दे रही हूँ, बस सिर्फ एक जरा सा चेंज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।